बेस में, वो भी 10.1 इंच का ही है, पर इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग रहेगा आपका, इंटरफेस अलग है। और इसमें जैसे कि रेडियो, कार और ये इसमें सेटिंग्स वगैरह हैं, फॉलो मी हेड लैम्प, फंड मेकर, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस, ये स्टीयरिंग मोड्स इसमें भी हैं, फैक्ट्री सेटिंग्स रिसेट कर सकते हैं, होम बटन पे जाएंगे तो ये इंटरफेस है इसका। इसमें एसी, ऑटो एसी है और बाकी फ़ोन कनेक्टिविटी है। सेटअप में जाते हैं तो आप की बीप, अडैप्टिव वॉल्यूम, लाउडनेस और ये स्पीड के साथ वॉल्यूम इंक्रीज़ करना, ये यहाँ पे इक्वलाइजर की सेटिंग्स कर सकते हैं। इसमें साउंड स्टेज आपको कहाँ पे रखना है, इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, टाइम सेट करना, उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिस्प्ले की ब्राइटनेस और ऑटो चाहिए कैसा चाहिए, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन। और इंटरफेस ठीक है, बड़ा बड़ा इसमें दे रखा है, ईजली रीडेबल है, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी है जो कि वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि एसी चल रहा है, लो टेम्परेचर है।